फूस की कोठी डीआरएम ऑफिस के पास रहने वाली नसीम बानो ने सिविलाइज थाने में अपने पड़ोसी कृष्णा कुमार जोशी और उनके तीन पुत्रों के खिलाफ अपने पति शहजाद मोहम्मद पर जानलेवा हमला करने और खुद उसके साथ मारपीट करने का एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने धारा 341, 323, 308 और 504 में आरोप पंजीकृत कर आरोपी कृष्ण कुमार को गिरफ्तार किया, लेकिन उसे शांति भंग करने के आरोप में जमानत देकर छोड़ दिया। इसके बाद आरोपी और उसके पुत्र नसीम बानो और शहजाद मोहम्मद को देख लेने और साथ ही पहले से ज्यादा बुरा हाल करने की धमकी दे रहे हैं। प्रार्थी नसीम बानो ने पुलिस और जिला प्रशासन से आरोपी को दंडित करने और स्वयं व उसके पति की सुरक्षा करने की मांग की है। कल हमारा नाली के पीछे विवाद होता था पड़ोसवाली से, तो पड़ोसवाली से विवाद होने के बाद ना हमारा मीटर सुलझ गया था। उन्होंने कहा मैं इस बात ये सफाई कर दूंगी यहाँ से, तो हमारा मीटर साफ हो चुका था। कृष्ण कुमार जोशी और उसके दोनों बेटे आके ताबड़तोड़ हम घर में घुस के हम दोनों मेरे को बाहर करा देना, और मेरे माना जो मेरे तीन टाके आए तो तीन चार टाके मेरे सर में आए और आके मेरे को बंद, इनको इनकी जमानत 351 में इनकी जमानत हो गई। और कह रहा कि अब तेरे को बताऊंगा आगे चल के, तो देखते तेरे साथ में क्या करता हूँ आगे। तू पुलिस वालों ने मेरा क्या बिगाड़ लिया, तू क्या बिगाड़ लेगा तू मेरा। उनकी 151 में उनकी जमानत हो गई, वही वहां से मैं FIR की कॉपी लाया हूँ। बाकी मेरे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई सही नहीं हो रही है और जान माल का मैं वो खतरा है। कल को मेरे बी बच्चों के ऊपर या मेरे पर कोई हमला कर दिया तो उसके जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है या ये अलसर अपराधी है? हमने इसके खिलाफ FIR करा दी थी, फिर भी ये छुट के आ गया। इसने मेरे पति के ऊपर हमला करा, उनके सर में चोट पहुंचाई थी, उनके टांके आए, और फिर भी इन्हें वहां से छुट के आने के बाद में गुंडों को लेके घूमता है घर के बाहर और धमकियां देता है कि अब तो और इससे भी बुरा करूंगा, और हमको इससे अब जान का खतरा है, मेरे पति को मेरे बच्चों को हमको इससे जान का खतरा है, अब हम क्या करेंगे। इसकी जमानत हो गई है और गुंडागर्दी करता है, धमकियां देता है घर के बाहर आके बाहर।